हेलो, कौन बोल रहा है? जी मैं हरि बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए साहब, मुझे एक राशन की किट चाहिए। तुम कल आना, आज की किट हमारी खत्म हो गई है। साहब मेहरबानी करके एक किट दीजिए, घर में बेटी 3 दिन से आटे का पानी पी रही है। साहब दया कीजिए, कुछ नहीं बस थोड़े चावल ही दीजिए बेटी के लिए। कहते कहते वो फफक कर रो पड़ा। उसकी बातें सुनते ही रवि बोला, ठीक है आ जाओ, हम अनंत नगर की झोपड़पट्टी के सामने वाली रेलवे क्रॉसिंग के सामने खड़े हैं। अरे अब किसको बुलाया? अर्पित ने पूछा। एक बंदे को बहुत जरूरत है। पर किट तो नहीं है अपने पास? कल ही बुलाते, कल शायद देर हो जाएगी। मैं घर से लेकर आता हूं, तुम यहीं रुको। कहे वह बाइक को किक मारकर चला गया। करीब 20 मिनट के बाद किट लेकर लौटा। आया क्या वो आदमी? नहीं अभी तक नहीं आया, फोन लगाकर पूछो। हेलो हरि भाई, आया नहीं अभी तक? बस बस पहुंच ही रहा हूं 5 मिनट में। अरे यार इतनी धूप में और कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा? कोई कोल्ड ड्रिंक की भी दुकान नहीं है यहाँ? मनीष ने झुंझलाते हुए कहा। ओए हम दान करने निकले हैं, कोई मूवी देखने नहीं, ये पानी पी कोल्ड ड्रिंक समझकर। अर्पित ने उसकी तरफ बोतल बढ़ाई। साहब आवाज की तरफ सबकी नजर गई। पसीने से तर बतर एकदम मिरियल से एक आदमी ने साइकिल से उतरकर हांफते हुए उनसे पूछा, साहब आप अनाज की किट बांटते हो क्या? हाँ मैं हरि हूं साहब, आपको फोन किया था, आराम से आपकी हम लोग राह देख रहे थे। कह मनीष ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ा दी। उस आदमी ने एक सांस में पूरी बोतल खाली कर दी। आप कहां से आए? मैं सरगम गली से आया हूं। सरगम गली? सब एक साथ बोलकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरगम गली वहां से तकरीबन 9-9.5 किलोमीटर की दूरी पर था। भूख की आग, शायद ये गर्मी की तपन कहीं ज्यादा बड़ी है, इसलिए मई की जुलसाती गर्मी में ये आदमी साइकिल चलाते आया था। चाचा आप 2 मिनट यहां बैठिए, मैं अभी आता हूं, कहकर रवि जाने लगा। तो अर्पित उसके साथ हो लिया। कहां जा रहा है? रवि ने गाड़ी शुरू की और गली के मोड़ पर डेली नीड्स की दुकान के सामने रोकी। वहां से 5-6 बिस्किट के पैकेट, 1 दूध का पैकेट, 2 ब्रेड के पैकेट, 2 किलो शक्कर, चाय पत्ती, 5 किलो आटा, 3 तेल के पैकेट एक बॉक्स में पैक किया और एक बड़ी सी रस्सी लेकर वापस रेलवे क्रॉसिंग के पास आए। पहले के किट का सामान भी बक्से में भर दिया, फिर बक्से को साइकिल के पीछे अच्छे से बांध दिया, फिर जेब से 200 रुपए निकाले। रवि को देखकर अर्पित, मनीष, संतोष ने भी अपनी अपनी जेब से पैसे निकाले। कुल मिलाकर 1300 रुपए हुए। चाचा राशन और ये कुछ रुपए रख लीजिए, वो आदमी उनके पैरों पे झुक गया। नहीं नहीं चाचा प्लीज, रवि ने उस आदमी को उठाकर खड़ा किया। साहब साहब नहीं चाचा, हम तो आपके लड़कों की तरह है। बेटा आज तक मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए, अपना काम ही ईमानदारी से करके अपने परिवार का पेट भरता आया हूं, पर इस लॉकडाउन में हाथों से काम छूट गया और बहुत बुरा हाल हो गया। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू छलक गए। चाचा सब्र रखो, ये दिन भी चले जाएंगे। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने मेरे परिवार की मदद की। एक बात बोलू? हाँ चाचा बोलिए। मैं बगीचे का भी काम करता हूं, अगर आपने मुझे काम दिया तो मैं कम पैसे में कर दूंगा। मैंने अभी फोन किया था, वही नंबर है मेरा। जी जरूर चाचा, चलता हूं, कहकर उसने हाथ जोड़े और भरी आंखों से साइकिल पर बैठकर चला गया। यार हम 400-500 रुपए मूवी पॉपकॉर्न पर यूं ही फेंक देते हैं, उतने पैसों में एक गरीब के घर का राशन आता है, ये आज पता चला, रवि बोला। चारों दूर जाते हुए आदमी को सुकून से देखते रह गए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।